अब मैं पुनः श्री संजय दिवाकर जी जो कि डिप्टी डायरेक्टर है रूसा गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के को आमंत्रित करती हूँ। सर, आज के इस वेबिनार के विषय में आपका जो आउटलुक है, आपका जो डेलिब्रेशन है, उसके विषय में हमें हमारा मार्गदर्शन करें। सर, आपका पुनः पुनः स्वागत है। मैं क्षमा चाहूंगा, कनेक्टिविटी तो इशू है पूरे इंडिया पर, हमारे पास भी कुछ इस तरह का इशू हो गया था, इसकी वजह से हमारा रुक गया था। मैं थोड़े से आपको एक आंकड़े शेयर कर देता हूँ जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट से मैंने लिए कि इंडिया में 64% लोग हैं वो एक्सरसाइज कभी करते ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। लगभग 7 करोड़ लोग डायबिटिक के शिकार हैं, लगभग 2.5 करोड़ लोग हाइपरटेंशन के शिकार हैं। तो ये इतना बड़ा आंकड़ा क्यों हुआ? और ऐसा नहीं कि ये इंडिया में ही समस्या है, ये समस्या औरों में भी है, लेकिन हो सकता है हमारे इंडिया में ज़्यादा है। तो जैसे हमने कहा ना कि केवल फिट रहने का मतलब ये नहीं है कि आप स्पोर्ट्स खेलें तभी आप फिट रहें। फिट आप सही रूप से सक्रिय, जैसे हम कहते हैं कि आप काम में भी अगर आप सक्रिय हैं तो वो कई बार आप फिजिकली थोड़ा मूवमेंट आपका ज़्यादा होगा और आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपने जॉब में। अब मैं जैसे एक आपको बताऊं कि 2003 में मैं आईआईटी कानपुर में जब पहली बार गया और मैंने अपना वहाँ एज ए रिसर्च स्टार्ट किया, तो मैंने जब देखा कि सबके पास साइकिल है तो मैंने बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे लोग, इनफैक्ट सारे प्रोफेसर्स के पास, सारे स्टाफ के पास, सभी के पास साइकिल से ही लोग आते हैं और जाते हैं। तो मैंने बड़ा अच्छा लगा कि चलो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे लोग एनवायरनमेंट के लिए प्लस फिटनेस के लिए इस तरह की कोई चीज़ यूज करते हैं। मैंने उस रेसिपी को बढ़ाया, जहाँ मैं इस समय जॉब करता हूँ मैं अपने घर से लेके अपने ऑफिस पैदल आता हूँ जाता हूँ, यद्यपि मेरे पास दो दो तीन तीन गाड़ियाँ। तो शुरुआत में लोगों ने सोचा कि क्या बात है यार, ये बंदा तो अपने को दिखाने की कोशिश करता है। 4 साल 5 साल तक मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसके बाद लोगों ने अपने आप आना जाना चालू कर दिया। अभी मैं चूंकि मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हूँ तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि बच्चे जब आप एजुकेशन कर रहे हो वहीं से फिटनेस की आवश्यकता को समझें और उसके हिसाब से काम करें। इसी के तहत हमने जब रूसा में हमने 92 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस को जब हमने 2-2 करोड़ रुपए दिए तो एक स्मॉल अमाउंट हम कहेंगे 10 लाख रुपए मैंने उनको ये बोले कि इससे वो जिम बनाए, अपने स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट खरीदे। यानी कि अगर उनके पास एक जिम होगी तो हो सकता है कि वैसे ना वो करें, लेकिन जिम होगी तो बच्चे करना भी करेंगे। और इसमें जो हमने हॉस्टल बनाए उसमें भी हमने एक छोटी सी जिम रखी हुई है। तो और अगली हमारी जो एक मीटिंग पे भी हो रही है और हमने ये सोचा है कि अगले जितने भी हमारे कॉलेज बचे हैं जहाँ पे हमारे पास स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ नहीं है या फिर हमारे जिम की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो हम वो कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पर भी इस फैसिलिटीज़ को और डेवलप कर पाएँ। बट हमारा हमेशा से मानना है कि आपकी शारीरिक सक्रियता जो है आपको हमेशा जो है वो फिट रखती है। जैसे मैं, मेरे आज की डेट में मेरे पास 2-3 ऑफिस हैं, मैं एक इंदिरा भवन में 6th फ्लोर पर मेरा है। मैं अक्सर क्या होता है, मेरे साथ मेरे कुछ कलीग साथ में नहीं जाते क्योंकि मैं सीढ़ियों से जाता हूँ, तो बोलते हैं कि नहीं सर आप सीढ़ियों से जाते हैं और ये तो टाइम वेस्टिंग है। तो हमने कहा हो सकता है टाइम वेस्टिंग हो, लेकिन मुझे लगता है फिट रहने के लिए जरूरी है और मैं सीढ़ियों से जाता हूँ और वापस तो लगभग 100 टाइम में सीढ़ियों से ही आता हूँ। तो हमारा मानना यह है कि फिटनेस के आपको हर तरीके से आपको फिट रखने के लिए सबसे पहले आप अपने खान पान का भी अपना ध्यान रखें, अभी है एनवायरमेंटल का आप अपना ध्यान रखेंगे वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप एक्सरसाइज करेंगे वो भी हमारे लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा आप ये कोशिश करिए कि पूरे दिन में, क्योंकि कई बार आपकी जॉब प्रोफाइल ऐसी होती है या आपकी फैमिली के साथ आपकी इंगेजमेंट ऐसी होती है कि आपके पास टाइम नहीं मिल पाता, तो आप स्टार्ट कहीं से भी करिए। आप जरूरी नहीं है कि सुबह 5 बजे उठ के करेंगे तभी है। आप स्टार्ट 8 बजे से भी कर सकते हैं और सबसे बेहतर तो यही है कि सुबह 5 बजे उठ के आप जो करते हैं 6 बजे करते हैं वो ज़्यादा उसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। बट आपके पास अगर आपकी जॉब प्रोफाइल ऐसी है, आपके पास टाइम का अभाव है, तो पूरे दिन में कभी भी जब आपको टाइम मिले, जैसे मैं कभी कभी मैं ऑफिस से खुद 9 बजे 9:30 बजे पहुंचता हूं तब मैं कर लेता हूं, सुबह का जल्दी मिल गया। तो मैं कोशिश करता हूं कि पूरे दिन में आधा एक घंटा हम अपने को फिट रखने के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज या योगा है वो जरूर कहीं ना कहीं से हम उसको टाइम से निकाल के कर लें।
एक सबसे बड़ी बात होती ना, लोग ये कहते हैं कि ठीक है यार मैं कल से एक्सरसाइज करूंगा, और वो मजाक की बात यह है कि वो कल कभी नहीं आता है। तो आप ये मत करिए कि कल से स्टार्ट करेंगे, हम अभी से स्टार्ट करेंगे। अगर आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो, जब मैं IIT में था तो हमारे यहाँ एक सबसे चीज फेमस हम लोग के हमेशा ये थी कि हम किसी काम को इमीडिएट स्टार्ट करते थे। कोई मीटिंग हुई उसके बाद में इमीडिएट हम उस पर वर्कआउट करना स्टार्ट कर देते थे, उसके बाद ही हम आगे कोई भी काम करते थे। तो मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी चीज के लिए तैयार हैं तो इमीडिएट स्टार्ट करिए, कल पर नहीं छोड़िए, क्योंकि कल जो है वो इतनी आसानी से नहीं आता है। हम आज से ही स्टार्ट करें और थोड़ा थोड़ा हम टाइम रखेंगे तो हमको जरूर है। इसमें से जुड़े जो लोग भी हमारे डिग्री कॉलेज के या यूनिवर्सिटीज के लोग हैं, अगर वो किसी तरह की, अगर उनको स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किसी तरह की ग्रांट की जरूरत है या कोई एक अपना जिमनेजियम बनाने की जरूरत है कॉलेज के लेवल पे, उसके लिए एक अपना एक प्रपोजल बनाए। बहुत बड़ा प्रपोजल मत बनाए उसकी, क्योंकि कॉलेज के लिए हमारे पास फंड तो नहीं होते हैं, लेकिन 5 से 10 लाख के अराउंड का एक प्रपोजल आप बनाएं और हमारे ऑफिस में भेजें। हम उसको भारत सरकार का जो हमारा रूसा का प्रोजेक्ट है उसके तहत हम उनको एटलीस्ट कम से कम इस फिटनेस के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो हम इक्विपमेंट उनको अवेलेबल करा पाए। अभी इसमें एक मैं और बोलता हूँ, कुछ ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं मेल फीमेल ऐसे थे, तो उनका वेट बहुत ज़्यादा था। मैंने उनसे बोला कि आपको वेट करने के लिए मैं आपको मंत्र बताता हूँ, आप सुबह 4 बजे उठिए, कुछ मत करिए, 4 बजे उठ जाइए और जाइए, फ्रेश होइए और नहा लीजिए, आपका 1 महीने में 10 किलो वजन 8 किलो वजन कम हो जाए। बोले ऐसा कैसे है, कुछ मत एक्सरसाइज करिए। मैं बिल्कुल सिंपल से हम अपने इस थ्योरी को मैं एशियन टाइम में जो लोग करते हैं उससे जोड़ना चाहूँगा। आप सुबह 4 बजे उठेंगे, आप फ्रेश होंगे, आपको 7 बजे भूख लगने लगेगी, आप 7 बजे नाश्ता करेंगे, जब आप 7 बजे नाश्ता करेंगे तो आपको दोपहर में 12 बजे आपको भूख लगेगी, आपको जब 12 बजे दोपहर में करेंगे तो रात वाला शाम को 7-7:30 बजे आपको फिर से भूख लगेगी, और टाइम से आप खाना खाएंगे, टाइम से सोएंगे और फिर टाइम से उठेंगे। तो आपका स्पेशली फिटनेस में ये इसका बहुत बड़ा महत्व है कि आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे खाते हैं और क्या खाते हैं, और इस चक्र को अगर आपने ठीक कर लिया तो आप फिटनेस अपने आप भी करने लेंगे। जैसा अभी सर ने हमारे से पहले जो प्रेजेंटेशन में उन्होंने ये बताया कि कुछ लोगों को लगता है कि बहुत आलस लगता है कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन जब आप एक बार करना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी बॉडी सुबह 5 बजे आपसे कहेगी नहीं, यू हैव टू गो और फील्ड, आपको पार्क में जाना है, घूमना, आपको उसके बगैर अच्छा ही नहीं लगेगा और आप करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं एज ए डिप्टी डायरेक्टर जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, ऐसे संस्थान या इंस्टीट्यूट जुड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी जुड़े हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा ये अपने यहाँ के बच्चों को मोटिवेट करें। अगर किसी तरह की फाइनेंशियल एड्स की जरूरत है तो एक स्मॉल 5 से 10 लाख का प्रोजेक्ट बनाएं और हमारे ऑफिस भेजें, मैं भारत सरकार से इससे टाई अप करके आपको उसके संबंधित जो है अनुदान दिलाने की कोशिश करूंगा। और मैं इसके अलावा अगर किसी की कोई क्वेरी हो अगर इस अनुदान को लेके, अगर कोई पूछना चाहे तो मुझसे पूछ सकता है, अदरवाइज मैं अपनी बात को यहीं समाप्त कर रहा हूँ।